भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज आशीष गुप्ता ने एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में उन्होंने 101 ब्लड यूनिट जो है इकट्ठा की और इसमें युवा साथियों के साथ ही बड़े बुजुर्ग लोगों ने भी काफ़ी मात्रा में हिस्सा लिया। इस ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन सुधीर सिंगला विधायक और जीएल शर्मा ने किया। इससे कैंप के अंदर सनर हॉस्पिटल की टीम ने आकर के ब्लड को इकट्ठा किया है और साथ ही आशीष गुप्ता की टीम के लोगों ने मिलकर के इस ब्लड डोनेशन कैंप का जो है आज काफ़ी अच्छे रूप से सुचारू कार्य करने में सहयोग किया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में आए हुए सभी लोगों को देख करके उन्होंने कहा कि ब्लड डोनेट हमें हर 3 से 4 महीने बाद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो हर 3 से 4 महीने में नई रूप से बन जाती हैं और जिससे के कारण हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। आज इस समय जो कि डेंगू और अन्य बीमारियां फैल रही हैं, साथ ही एक्सीडेंट लोग होते हैं उनको भी ब्लड समय पर नहीं मिल पाता है, तो हमें ब्लड जो है वो समय पर देना चाहिए जिससे कि ब्लड की कमी देश में ना रहे और लोगों को ब्लड सही समय पर और सही मात्रा में उपलब्ध हो पाए। इस बारे में हमने इसके संयोजक आशीष गुप्ता से भी बात की। आइए देखिए इसकी एक झलकियाँ आशीष गुप्ता के साथ में। अजय भारत के साथ बने रहिए, आपका धन्यवाद। जय हिंद। लगभग हमारी 80 से 82 यूनिट के आसपास हो चुकी है और पिछले साल भी उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप करा था, जितनी भी हमने 81 यूनिट ब्लड डोनेट करा था। तो आप हर साल मोदी जी के जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कराते हैं? हमारी भाजपा की तरफ से और हमारी तरफ से एक कोशिश है कि उनके जन्मदिन पर हम इसको निरंतर चलाते रहें और पिछले 2 साल से लगातार लगा रहे हैं और आने वाले समय में भी हम इसको ऐसे ही आगे कंटिन्यू रखेंगे। आशीष जी, आज ब्लड डोनेशन कैंप जैसे आपने लगाया हुआ है, इसमें कितनी उम्र के लोगों का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया है? आज का कैंप हमने युवा मोर्चा की तरफ से लगाया है और इस कैंप के अंदर 90% युवाओं ने ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, क्योंकि एक युवा शक्ति को हम आगे ले जाने का काम करना चाह रहे हैं जिससे कि युवा वो आगे ब्लड डोनेट करें, दान करें और उसकी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी अपने पॉलिटिक्स में भी और हर जगह उनकी हिस्सेदारी हो। आशीष जी, आज के टाइम में ब्लड की आवश्यकता भी बहुत अधिक है, रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं लेकिन कई बार लोगों को ब्लड नहीं मिलता जिस कारण से मौत भी हो जाती है लोगों की, तो उसके बारे में युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जैसे आज हमने सनार हॉस्पिटल है सेक्टर 56 गोलपुर रोड पर, इनके साथ टाई अप करके और यहाँ पे कैंप लगाए, तो मैं युवा को यही कहना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ कर रक्तदान करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रक्त ना मिलने की वजह, ब्लड ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है और वो सप्लाई में नहीं आ पाता है। इसलिए जितने भी नौजवान हैं, मेरा ये मानना है कि हर 3 से 4 महीने उनको ब्लड डोनेट करना चाहिए और मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि हर 3 से 4 महीने ब्लड डोनेट करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।